नमस्कार, राजस्थानी किचन संसार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ सूजी के शक्करपारे बनाने का अनोखा तरीका, जिसमें आपको बेलने की झंझट भी नहीं रहेगी। एकदम कम समय में बनने वाली क्रिस्पी शक्करपारों को आप महीनों भर स्टोर करके भी रख सकते हो। इन फ्रेंड्स, ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। इसके लिए लिया है मैंने एक बाउल, इसमें डाल रही हूँ एक कटोरी गेहूँ का आटा। जिस कटोरी से आपने गेहूँ का आटा लिया था उसी कटोरी से थोड़ा कम यानी 3/4 हम सूजी लेंगे। सूजी आप मोटी या फाइन कोई सी भी ले सकते हैं। इसके बाद इसमें थोड़े से तिल ऐड कर देंगे जिसे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। इसे भी हम ऐड कर देंगे। यह मैंने 1/4 ली है यानी आधी कटोरी से थोड़ी कम है। अब इसमें फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर। इसे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन शक्करपारों को क्रिस्पी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/3 घी। इसको मैंने गरम करके लिया है। इसको और टेस्टी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1/2 कप दूध। इसको मैंने हल्का गरम करके लिया है। थोड़ा थोड़ा करके डालना है। इसको अच्छे से मिक्स करके डो तैयार करना है। डो अब इसको 5 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं जिससे सूजी हमारी अच्छे से फूल जाएगी। 5 मिनट हो गई है। अब आटे को चेक कर लेते हैं। एकदम बढ़िया से हमारा आटा तैयार हो गया है। अब हमें एक प्लेट और कैंची लेनी है। अब हमें रही हूँ, अगर आप बड़ी से बनाना चाहे तो आप बड़ा कट लगा लीजिए। आपको छोटी बड़ी जो भी से पसंद हो उसी अनुसार आप कट लगा लीजिए। इस तरह कैंची से कट करने से अच्छी सी डिजाइन बन जाएगी। मैं इस तरह सभी को काट कट करके रख लेती हूँ। इसके लिए लिया है मैंने एक कढ़ाई और इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। जब तेल हल्का गर्म हो जाए तब इन शक्करपारों को डाल देना है। मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें फ्राई करना है। जैसे जैसे शक्करपारे फ्राई होते जाएंगे वैसे इसके ऊपर के झाग कम होते जाएंगे। ये शक्करपारे अच्छे से सेट हो गए हैं। अब इन्हें धीरे धीरे फ्राई कर लेंगे। शक्करपारों को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। जो तरीका आप अपनाया है वो आसान भी है और बहुत ही कम समय में ढेर सारे शक्करपारे बनाकर तैयार कर लोगे। अब इनमें बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। इन्हें निकाल लेते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे कस्ता शक्करपारे बनकर तैयार हो गए हैं। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। यह अंदर से बहुत ही क्रिस्पी बनी है। इसको ठंडा होने के बाद एयर टाइट कंटेनर में भरकर स्टोर भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप इन्हें ज़रूर बनाना, आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।